जी चौधरी रिजवान जी, बाबापुर विधानसभा के वार्ड नंबर 51 से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है पहले तो आप ये बताएं। तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है हमारी, और शायद कि हम इससे ज़्यादा और अच्छी तैयारी कर भी नहीं सकते थे। हमने अपना 100% एफर्ट दिया है, मैंने और मेरी टीम ने इसमें अपना 100% योगदान दिया है, जिसमें हम कह सकते हैं 0.1% भी कोई कोताही नहीं बरती गई है। तो इंशाल्लाह तैयारी तो ऐसी है कि अल्लाह ने चाहा तो बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत करके हम आपको दिखाएंगे कि तैयारी कैसी थी हमारी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? किन मुद्दों पर? सबसे MCD चुनाव है। सबसे पहली तो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने एरिया कवर करके देखा होगा कि यहाँ पर जो कूड़ों के ढेर हैं वो गलियों में इस तरीके से लगे हैं जैसे गलीचा बिछाया हुआ है, और नाली के अंदर से जो कीचड़ निकाल करके उसके कॉर्नर पर पड़ी रहती है, जो कि बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो गलियाँ हैं वो बहुत पतली पतली तंग गलियाँ हैं, उसमें ये कीचड़ जो है हम कई कई दिन छोड़ करके नहीं रख सकते। अच्छा, यहाँ पर आपके अलावा भी और भी कैंडिडेट हैं, और भी पार्टियाँ हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? कौन सी पार्टियाँ यहाँ पर? आपके MIM से भी एक लेडीज़ हैं, वो भी चुनाव की तैयारी कर रही हैं, और भी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, आम आदमी भी है। देखिए, लोकतंत्र है यहाँ पर, जो है हर किसी को हक है टिकट मांगने का और तैयारी करने का। ये तो आला कमान का एक फैसला होता है कि वो उनका फेवरेट कौन है या उनको कौन जीत दे सकता है या कॉलोनी के लिए कौन बेहतर है, वो सर्वे के मुताबिक अपना फैसला सुनाते हैं और टिकट उसी कैंडिडेट को देते हैं जो उनके लिए विक्ट्री ला सकता है। अच्छा, आपको उम्मीद है टिकट आपको ही मिलेगा? हाँ, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है, लग जाते कि टिकट हमारा ही है। अच्छा, क्या क्या है आपने वार्ड के लिए पहले तो ये बताएं, क्या कार्य किए हैं आपने वार्ड के लिए? हमने कार्य वो किए हैं कि किसी सरकारी पद पर ना होते हुए भी हमने यहाँ पर जैसी सुविधाएं हमने पब्लिक के लिए लेकर के आए, जैसे कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, मेडिकल में हमने लोगों के कार्ड बनवा करके। अच्छा, चौधरी रिजवान, चुनाव से पहले सभी नेता वादे करते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं जनता को। अभी मैं वही बात बता रहा था कि शायद आपने अपना दूसरा सवाल स्टार्ट कर दिया। हमने स्वास्थ्य के फील्ड में काम किया है, वादा जीतने के बाद नहीं, हम पहले से ही ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे इस कदम से, हमारे साथियों के इस कदम से ऑलरेडी जो स्वास्थ्य की फील्ड है उसमें हमने लोगों को आधा भार ख़त्म कर दिया है, आधा खर्चा ख़त्म कर दिया है। जो भी स्वास्थ्य फील्ड के अंदर काम होते हैं वो 50% पे हम अभी से करवा रहे हैं, जीतने के बाद तो इंशाल्लाह शायद हम 10% पे ही करवा दें वो काम। चलिए, अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम कफील अहमद है। किस पद पे हैं आप MIM में? मैं बाबरपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। क्या बताना चाहेंगे चौधरी रिजवान के बारे में आप? रिजवान चौधरी पिछले करीब 2-2.5 साल से यहाँ मेहनत करते हुए आ रहे हैं, और लोगों का काफ़ी रुझान भी रिजवान चौधरी के लिए है, और कार्य भी इनका बहुत अच्छा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि टिकट जो है रिजवान चौधरी का ही होना चाहिए। क्या वजह है चौधरी रिजवान का टिकट होना चाहिए? वजह यही है, यहाँ पे जो वादे लोग करते हैं किसी के, कोई सब खोखले वादे करते हैं। रिजवान भाई ने बिना किसी पद पे रहते हुए बहुत सारे यहाँ पे लोगों के लिए काम करे हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए करे हैं या और भी क्या नाम है, जो परेशान हाल ही में लोग आते हैं उनका सबका ख्याल रखा जाता है। चलिए जी, आप अपना नाम बताएं। मैं रियाजुद्दीन मेवाती, वार्ड अध्यक्ष 51 जनता कॉलोनी से। क्या बताना चाहेंगे चौधरी रिजवान के बारे में आप? नहीं, चौधरी रिजवान एक शिक्षित पढ़े लिखे और युवा जोश है, और ऐसे कैंडिडेट की हमें कॉलोनी में ज़रूरत है। यहाँ की छोटी छोटी सुविधाएं हैं, जिस तरह के मान लो नशे बिकते हैं गली के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, अवैध कब्जे हैं यहाँ बहुत रोड पर। तो चौधरी रिजवान के चुनाव जीतने से सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी आपके वार्ड में? इंशाल्लाह, जब शिक्षित आदमी मिलेगा तो कुछ ना कुछ मैटर तो कराएंगे इनको साथ लेकर। हमें एक युवा जोश मिल रहा है, कंधे से कंधा लगा कर चल रही है टीम साथ में, तो कुछ ना कुछ उम्मीद तो है हमारी। अच्छा, आपको उम्मीद है पार्टी जो है चौधरी रिजवान को ही टिकट देंगे? हाँ, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह सुनेगा, हमारी टिकट होगा इंशाल्लाह हमारा। जी, आपका क्या नाम है? फिरोज मलिक। किस पद पर हैं MIM पार्टी में? अध्यक्ष हूँ जिला बाबरपुर। तो क्या बताना चाहेंगे चौधरी रिजवान के बारे में आप? देखिए, चौधरी रिजवान लगातार 11 महीने से एक्टिव हैं इस एरिया के अंदर, और एक पढ़ा लिखा आदमी जब समाज के अंदर आता है तो समाज की जो अगली पीढ़ियाँ आती हैं ना, उनमें एक सुधार पैदा होता है, उसके अंदर भी एक पढ़ने लिखने का एक जोश पैदा होता है। जब उनका नुमाइंदा पढ़ा लिखा होता है तो आवाम भी अपने आप पढ़ने लिखने शुरू हो जाती है। अच्छा, चौधरी रिजवान अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या तोहफा देंगे अपने वार्ड को? ये सबसे पहले तो तोहफा बता दिया, कई बार बताया, फिर बता रहे हैं कि 5100 रुपये के अंदर समुदाय भवन बुक हुआ करेगा जनता कॉलोनी का।
फिरोज जी, चुनाव से पहले सभी नेता वादे कर लेते हैं और चुनाव के बाद वो सब भूल जाते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ नेता नहीं है, कौम के खादिम बोल रहे हैं आपके सामने। नेता तो कोई है ही नहीं इनमें से, ये सारे खादिम पहले से खिदमत करते हुए आ रहे। शारिक अंसारी जी, आप क्या बताना चाहेंगे, एनसीएफ ट्रस्ट के आप एक फाउंडर हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चौधरी रिजवान का एक लक्ष्य है और वो उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। नेता वो है नहीं, असल में वो है कौम के हमदर्द, और कौम के अंदर वो लोग आते हैं जो किसी भी जाति से हों या किसी भी मज़हब से हों। वो लोग जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो काम गवर्नमेंट को करने चाहिए ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को मेडिकल की सुविधाएं दे रहे हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, मैटरनिटी सेंटर दे रहे हैं, औरतों को अस्पतालों के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं, मैटरनिटी सेंटर में उनकी बाइज्जत और पूरे पर्दे के साथ में डिलीवरी करवाते हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो ये काम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, तकरीबन 3 साल से ये काम कर रहे हैं, और इनका एक लक्ष्य है, वो है जनता कॉलोनी को जन्नत कॉलोनी बनाना। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी जितने भी आवाम के लोग हैं, वार्ड के लोग हैं? देखिए, मैसेज तो आवाम दे चुकी है और अपना ऐलान आवाम कर चुकी है, आवाम ने निर्णय ले लिया है, फैसला कर चुकी है आवाम कि उन्हें अब रिजवान चौधरी के अलावा कोई चाहिए ही नहीं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रिजवान चौधरी जिंदाबाद। आप वार्ड में ही रहते हैं? वार्ड में रहते हैं। किसी पद पर हैं पार्टी में या एक कार्यकर्ता है सिर्फ? कार्यकर्ता, छोटा सा सिपाही। जी हाशिम जी, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा, रिजवान भाई जैसे शख्स, समझ लीजिए बहुत कम वार्डों से ऐसे शख्स निकलते हैं जो चुनाव की तैयारी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी जनता कॉलोनी आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि आज के टाइम में रिजवान जैसे हमदर्द को एक आगे लेके आएं, और इंशाल्लाह आवाम का इतना साथ है वो आगे भी लेके आएगी। अपनी बच्चियों की पढ़ाई और शिक्षा या बेटी की शादी के लिए कोई भी मामला होता है, कॉलोनी के सारे लोग रिजवान भाई से राब्ता करते हैं और ऑफिस पे आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा समर्थन के साथ आते हैं। जी, आप क्या बताना चाहेंगे? रिजवान भाई के बारे में बोलना चाहता हूँ, रिजवान भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। इन्होंने कौम को एक जगाया आके, बोले जाओ अगर आप कौम को, तो चुनाव से पहले सभी नेता आके जगाते हैं। नहीं, ये तो इंशाल्लाह बहुत काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। आपको उम्मीद है आपके वादों में खड़े उतरेंगे चौधरी रिजवान? बिल्कुल इंशाल्लाह, जब भी तो इनके साथ पूरी जनता कॉलोनी लगी पड़ी है तो साथ में। क्या चल रहा है आपके वार्ड में ये बताएं आप? बहुत बढ़िया चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है रिजवान भाई को, क्योंकि दूसरी पार्टी वाले भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। नहीं, ऐतिहासिक जीत होगी इंशाल्लाह हमारी पूरे दिल्ली के अंदर। चलिए ठीक है।